झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन हंगामा। इरफान अंसारी ने कहा बीजेपी आरएसएस ने की तवरेज की हत्या, बीजेपी ने किया हंगामा, इरफान के बयान पर हंगामा। ट्रेड यूनियनों का भारत बंद, बिहार झारखंड में भी दिख रहा है सर, बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे बंद समर्थक। हाजीपुर जेल मर्डर केस में फिर 10 जेलकर्मी निलंबित, अब तक 2 पदाधिकारी समेत 15 जेलकर्मियों पर हो चुकी है कार्रवाई। सुपौल से सहरसा आ रही बस बेकाबू होकर पलटी, कई यात्री घायल, घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। बक्सर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25 लाख की हीरोइन जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार, विदेशी शराब भी बरामद। नालंदा के हिलसा में किशोरी का शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार। स्वागत है आप सभी का आकर्षक न्यूज में, मैं हूं आनंद विजय। और इस वक्त खबरों को विस्तार से देखें, लेकिन उससे पहले छोटी खबरें 5 मिनट में। आज 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है, यह हड़ताल सरकार की नीतियों के खिलाफ है। ट्रेड यूनियनों के भारत बंद के दौरान पटना में भी कई छात्र संगठनों ने भी आज बंद का समर्थन किया। राजेंद्र नगर के पास ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, पुलिस ने छात्र नेताओं को स्टेशन से हटाया। रांची में भी देशव्यापी भारत बंद का असर दिख रहा है, रांची के डेली मार्केट बाजार के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। देशव्यापी हड़ताल का खलारी कोलांचल क्षेत्र में भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। खलारी कोलांचल क्षेत्र के इनके एरिया और पीपरवार एरिया में कोयला उत्पादन ठप है। बागमारा में भी ट्रेड यूनियनों के हड़ताल का असर दिख रहा है, कोयला खदानों में काम पूरी तरह से ठप है। निरसा में भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है, कोयलरी में कोयला खदानों में काम पूरी तरह से ठप है। बक्सर के नवानगर में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, गुस्साए लोगों ने थाने के सामने सड़क जाम किया और हंगामा किया। कोडरमा में बीती रात कोडरमा स्टेशन पर खड़ी रेल की इंजन पर चढ़ने से हाई टेंशन वायर के संपर्क में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मोकामा में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तफ्तीश शुरू कर दी है। गिरिडीह में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी है, युवक के पत्थर से कूदकर हत्या की गई है, पचंबा थाना क्षेत्र के बोडो की है घटना। हाजीपुर जेल मर्डर केस में 10 जेलकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, सहायक जेल अधीक्षक संजय शाह सहित 10 जेलकर्मी निलंबित किए गए, अब तक 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। बक्सर जिले के डुमराव पुलिस ने 25 लाख रुपए के हेरोइन के साथ विदेशी तस्कर को गिरफ्तार किया है, उसके पास से हेरोइन के साथ विदेशी शराब भी बरामद किया गया। दरभंगा के ऑटोमोबाइल और दवा व्यवसायी के पुत्र की अपहरण मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की। सुपौल से सहरसा आ रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, घने कोहरे के कारण बस पलटी जिसमें कई यात्री जख्मी हो गए, सिहौल मिडिल स्कूल के पास हुआ है यह हादसा। हाजीपुर मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी ने फिनाइल पी लिया है, हाजीपुर सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी का शव मिला है, आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या कर दी गई है। पटना से परिचालित 5 ट्रेन आज रद्द है, कोहरे के कारण कुंभ एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस रद्द कर दिया गया। यूपी के बस्ती में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाशों को गोली लगी है, 2 सिपाही भी घायल हुए।
विधानसभा के विशेष सत्र